दोस्तों, हमने मुजफ्फराबाद से अपने सफर का आगाज किया। इस वक्त हम लोग यहाँ पर पिचनासी का तकरीबन आधा रास्ता तय कर चुके हैं। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो पिचनासी का के टेम्परेचर से तो जाहिर है, उसके टेम्परेचर से तो फर्क है यहाँ पर, लेकिन मुजफ्फराबाद के टेम्परेचर से जो है यहाँ पर काफी फर्क आ रहा है। यहाँ पर ठंडी हवा इस वक्त चल रही है, धूप होने के बावजूद जो है हमें ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आज जो है मौसम जो है काफी खुशगवार, आपने जो वीडियो में आगे मजीद भी देखेंगे। तो ऊपर जो है पिचनासी के मकाम पर तो बर्फ है, तो इस वक्त जो है यहाँ पर बर्फ मौजूद नहीं है। तो वगार साहब, आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ की हवाओं के हवाले से? यहाँ अच्छा, वैसे जब मैं घर से निकला तो जाहिर ड्रेस के हवाले से तो काफी था कि भाई ड्रेस क्या पहन के जाए जिससे हमें सर्दियां लगे। अब जाहिर सी बात है, ऊपर जाते हैं सर्दी लगती है तो फिर रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाती है। तो हम वो तमाम जो असी मेला होता है अगर वो हम नहीं करते तो मसला फिर फायदा नहीं है जाने का। बरहाल हमने अपने ड्रेस को तो बरहाल भरपूर कर लिया है। ये मैंने जैकेट अच्छी पहनी हुई है, आपने अल्हम्दुलिल्लाह जैकेट तो मेरे ख्याल से लड़े से लिए आपने ये जैकेट। तो बरहाल ये कि अच्छा सफर जा रहा है जी हमारा, ऊपर बर्फ होगी और बहुत सारे लोग अभी टूरिस्ट जा भी रहे हैं मेरे यहाँ से घूमने के लिए। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ से जा भी रहे हैं। मजीद हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी गाड़ियां गई हैं, बहुत सारे बाइक गए, तो हम लोग भी मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। तो अब जाहिर है सफर जो है यहाँ की रोड भी काफी बेहतर है, तो रोड बेहतर होने की वजह से सफर आपका काफी आसान हो जाता है। तो बाकी आगे देखते हैं आगे की रोड कैसी है या बाकी आगे का सफर हमारा कैसा गुजरता है। अभी तक का व्यू तो बरहाल काफी अच्छा रहा है हमारा। हाँ, अभी तक तो काफी बेहतर है। ऊपर जाके अब बर्फ को देखने का हमें बड़ा शौक है, हमने देखी है पहले भी लेकिन कम मिकदार में, क्योंकि हम सिटी में रहते हैं, यहाँ पे इतनी बर्फ नहीं होती, तो नवाही इलाकों में गांव में होती है और गांव में फिर इस मसरूफ जिंदगी में जाने का मौका भी कम मिलता है। क्या ख्याल है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए फिर एंजॉय करने के लिए हम इन इलाकों में आते हैं जो हमारे करीब पड़ते हैं, तो बर्फ को देख के हम एंजॉय करते हैं। तो आपको भी मजीद हम बर्फ दिखाएंगे, बहुत जल्द हम इंशाल्लाह पिचनासी टॉप पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से मेरे को पिचनासी की बर्फ नजर आ रही है, तो बरहाल देखते रहिए फिर हमारे साथ। सर्दी तो बहुत ज्यादा हो गई है, ठंड बहुत हो गई है यार। मेरे ख्याल से हमें अपनी टोपियां अपनी जैकेट्स निकाल लेनी चाहिए। तो इस वक्त मैं आपको बताना चलूँ कि यहाँ पर ठंड भी बहुत ज्यादा हो गई है और मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो इसलिए मैं अपनी जैकेट भी बंद करने वाला हूँ। और मैं आपको बताना चलूँ कि यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं यहाँ पर दस्ताने पहन के नहीं आया। बकार साहब यहाँ पर दस्ताने ऑलरेडी पहन के आ चुके हैं, तो मैं दस्ताने पहन के नहीं आया इसलिए मेरे हाथ बहुत ज्यादा ठंड है। सच्ची और हकीकत बताऊँ, मेरे पास है ये एक मेरा ये दस्ताना स्पोर्ट का, और ये जो मेरा ग्लव्स है ये मेरा दोस्त है तो एक रखे गाड़ी में, मैं भूल गया काफी दिन पहले, तो मेरे पास एक ही था। फिर मैं बैंक रोड से आ रहा था तो वहां पे पठान मेरा एक दोस्त जाने वाला था, अब्दुल्ला नाम है उसका, उनको बोला जा रहा था। अच्छा, हकीकत बात तो उसे मैंने दिया ये जोड़ा, एक ये दूसरा मेरी जेब में है। तेरे पास है कि ग्लव्स थे और उन्होंने मुझे दिया नहीं है, उनको पता भी था कि मेरे पास ग्लव्स नहीं है। सब मैं चाहता हूँ मैं एक आपको नया था, लेकिन अब ये मुश्किल टाइम है, आप मुझे कितने पैसे देंगे इसके? जी हाँ। अच्छा, ये एक साला की नियामत है इस वक्त में कि जब आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द बर्फ ही बर्फ है, तो अब कुछ चीज चाहिए जिससे आप अपना सर अपना हाथ को दाम सके। और मैं आपको बताने चलूँ, अभी हम लोग पिचनासी नहीं पहुंचे, अभी हम लोग रास्ते में तकरीबन अभी सरा हमने क्रॉस की है, तो सरा से हम लोग आगे आगे, तो यहाँ से ऊपर अभी तकरीबन लगभग 10 किलोमीटर या शायद 8 किलोमीटर का सफर होगा। तो चले आगे चलते हैं, तो फिर आपको भी बताते हैं कि कैसे एंजॉय किया जाता है। चले आपको दस्ताना ओके गाइस, फिर चलते हैं और देखते रहिए हमारे साथ।
अच्छा जी, अभी बड़ी मजे की जगह पे बैठे हुए हम, बड़े मजे का मौसम है, ठंडी हवा भी चल रही है और साथ साथ धूप भी लगी हुई है और व्यू भी है बड़े मजे का मेरे ख्याल से, क्या ख्याल है? हाँ, बड़ा जबरदस्त है, यहाँ का जो व्यू है वो काफी अच्छा है। तो यहाँ से, यहाँ के व्यू की जो सबसे ज्यादा खास बात मैं समझ रहा हूँ ना, वो वकार साहब, ये कि यहाँ से काफी बड़ा एक एरिया यहाँ से नजर आ रहा है। तो बड़ा एरिया नजर आने की वजह से हमें खूबसूरती भी काफी नजर आ रही है, और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा दरख्त है वो इस जो खूबसूरती है तो उसको चार चांद लगा देते हैं, समझ लें। अच्छा, होटलों की भी क्या डिमांड है? अब ये होटल है, होटल वाले ने ये तकरीबन थोड़ा देसी माहौल भी रखा हुआ है, क्योंकि जदीद दौर में तो यहाँ पे कुछ और बेड होने चाहिए थे वगैरह, लेकिन ये देसी माहौल में बड़े मज़े का लग रहा है। ये देखें आप, ये चरपाई की तरह इन्होंने बनाए हुए हैं, ये टेबल लगा हुआ है और बड़े मज़े का व्यू, ये साथ झंडे, ये दरख्त लगाए हुए हैं साथ ही। हाँ, थोड़ा सा देसी माहौल है इसके साथ, जो है आपकी जो ज़िंदगी का मज़ा है वो दोबारा हो जाता है, खासतौर पर जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं ना उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है ये। लेकिन उस अंदाज में यहाँ पे काम नहीं किया गया बरल, लेकिन फिर भी जो है वो कदरे हाल बेहतर है चले। हाँ, जाहिर है उस वाले से तो काम नहीं किया गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पिचनासी के वाले से पता ही नहीं है कि यहाँ ये कहाँ पर वाकया है, किस एरिया में आता है। तो लोग हमारी वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन वीडियोस भी इतनी ज़्यादा अपलोड नहीं हुई मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल, क्या हाल है बरल? चले ठीक है, अभी क्या ख्याल है, अभी निकलना चाहिए आगे की तरफ? हाँ, आगे की तरफ निकलते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये स्विट्जरलैंड से काम नहीं है। अगर आपने पाकिस्तान में रहकर स्विट्जरलैंड का मजा लेना है तो यहाँ पर नहीं। वैसे एक कमाल की जगह है जी, मैं यहाँ पे आके वाकई अंदर बहुत खुश हुआ हूँ, यहाँ की आबो हवा खासतौर पर बहुत अच्छी है। बिल्कुल, तो अभी फिर हम निकलते हैं आगे की तरफ, तो आगे भी बहुत सारे खूबसूरत व्यूज यानी हमें देखने को मिलेंगे यकीनन। हाँ जाहिर है, तो यहीं पे सारे हमने ख्वाहिशें खत्म करी, तो आगे क्या रहेगा। हाँ चले फिर चलते हैं आगे, चले शुरू करते हैं फिर। पिचनासी के रास्ते पे रवा दवा है, टोपियां शोपियां जैकेट वैकेट हमने पहन ली है, ठंड फिर भी बहुत है। ठंड खत्म नहीं हो रही है बरहाल, चलो ये भी एक नियामत है। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह हम पिचनासी टॉप पर पहुंच जाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे वहाँ के खूबसूरत नज़ारे। 15 मिनट का सफर रह गया है। पिचनासी के तकरीबन हम करीब पहुंच आए हैं, यहाँ पे पिचनासी टॉप हमें बिल्कुल नजर आ रहा है और तकरीबन 8 से 10 मिनट में हम पिचनासी टॉप पर होंगे। यहाँ पे बर्फ का व्यू बड़ा कमाल का था, हमने कहा आपको भी दिखा लें, आपको भी विजिट कर लें, खुद भी हम देख लें, खुद भी थोड़ा एंजॉय कर लें। तो नेक्स्ट फिर देखते रहिए हमारे साथ आगे का व्यू भी। आपको थोड़ा सा हमने सस्पेंस डाला है इस सारी वीडियो में, कभी हम यहाँ आए कभी वहाँ आए, थोड़ा टाइम रह गया, लेकिन यह कि ये तमाम व्यूज आपको दिखाने बहुत जरूरी थे। यहाँ पर पहुँच जाएं तो यहाँ पर आने वाले तमाम तर जितने भी टूरिस्ट हैं उनसे गुजारिश है कि एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखें।
क्योंकि यहाँ पर जो है काफी स्लिपरी रास्ता है और काफी यहाँ पर स्लिपिंग हो रही है। मेरे जूते काफी अच्छे थे लेकिन उसके बावजूद भी स्लिप कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है हमारे पास एक और ट्रिक थी कि आप जो साक्स होती है साक्स को जूते पर चढ़ा लें, साक्स को जूते पर चढ़ाने से जो है आप स्लिप जो है कम होगा जूता, तो उसका आपको फायदा होगा। तो आप ये काम जरूर करें। हम लोग इन्हें यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा साक्स नहीं लाई इसलिए जो है मैं अपनी जो है साक्स उतार के, तो भाई ये अपनी जान नहीं बचाने वाला क्योंकि मेरे जूते फिर जूते में पानी चले जाएंगे, फिर ठंडा हो जाएंगे, साक्स भी लिए जाएंगे, तो बहुत सारे मसले देखने को मिलेंगे। तो आगे थोड़ा सा पिचनासी रह गया, पिचनासी भी तकरीबन वो सामने ही है मेरी नज़रों के सामने, तो वहाँ पर ज़्यादातर ज़्यादा पर भी हम लोग जाएंगे और वहाँ की बर्फ़ भी इंजॉय करेंगे। यहाँ से बहुत ज़्यादा बर्फ़ है वहाँ पर ऊपर, तो बर्फ़ को भी इंजॉय करेंगे। तो चलिए आगे सफ़र का आगाज़ करते हैं। अच्छा आदर साहब, यहाँ का व्यू भी बड़ा कमाल का है, और ऐसे ठंडी व्यू में अगर साथ चाय हो जाए तो क्या मज़ा आ जाए, क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, असल में यहाँ के मौसम के मुताबिक चाय तो बेहतरीन चीज़ है यहाँ पर ना, चाय हो या कॉफ़ी हो या फिर कुछ पकौड़े हो, समोसे हो या ड्राई फ्रूट्स आप मस्त यहाँ पर लेके आए। बिल्कुल, तो यहाँ पर ज़रूरी है यहाँ पर। अच्छा वैसे भी चाय तो कश्मीर का मशरूब है ना, जो बहुत ज़्यादा पिया जाता है दुनिया में। हाँ बिल्कुल, तो चाय और कुल्चा तो वैसे भी कश्मीर की पहचान है। हाँ शहर को और एक सर्दी में ठहरने वाले बंदे के लिए अगर चाय हो जाए तो कमाल हो जाए। हाँ जाहिर है। तो यहाँ पे इस मौसम में चाय पीने का यकीनन बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हम, साथ ठंडी हवा चल रही है, साथ गर्म चाय है, और मजीद हमें तड़प है कि हम कब ऊपर टॉप पर पहुँचेंगे, तो पहुँच के वहाँ पर जाके चाय पियेंगे, वहाँ के मौसम को देखेंगे। तो बड़ा ये एक सुनहरी मौसम है एक्चुअली, हम जैसा मसरूफ़ ज़िंदगी है तो बहुत कम वक्त मिलता है हमें भी घूमने का फिरने का, क्या हाल है? हाँ ऐसी बात है, लेकिन हर इंसान को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में से कुछ ऐसा वक्त निकाले कि जिसमें वो अपनी ज़िंदगी को भी वक्त दे, अपनी फैमिली को भी टाइम दे, और फैमिली के साथ जो है इस तरह की जो प्लेसेस हैं वहाँ का विज़िट करे। आज का वैसे भी माहौल ऐसा है कि हालात भी बड़े ख़राब हैं, तो मुल्की सतह पर भी हालात ख़राब हैं और आबो हवा भी हमारी शहर की ठीक नहीं होती, तो यहाँ की आबो हवा भी आपको काफ़ी बेहतरीन मिलेगी और यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, और आपकी आंखों को जो ठंडक मिलती है ना यहाँ पर आने के बाद, बिल्कुल पुरसुकून हो जाता है बंदा। हाँ बिल्कुल। हम लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर एक गाड़ी फंस गई थी तो उसको हम लोग धक्का लगा रहे थे, मैं भी था, वकार साहब भी थे। यहाँ पर बर्फ़ की वजह से काफ़ी स्लिप कर रही है गाड़ी, तो मौसम तो काफ़ी खुशगवार है लेकिन यहाँ पर रास्ता जो है वो काफ़ी स्लिपरी है, जिसकी वजह से अभी तो मैं गिरते गिरते जो है बच गया हूँ, लेकिन रास्ता काफ़ी स्लिपरी है तो ध्यान से आगे जाएं।
तो दोस्तों बड़ी ही मशक्कत के बाद बाइक काफ़ी स्लिप कर रहा था, तो आखिर हम लोग पिचनासी पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा है इस वक्त, और वकार साहब भी ठंड से जो है इनका बुरा हाल हो गया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी है, इनको नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आज बाइक ये चला रहे थे जिसकी वजह से हम लोग जो है काफी, मुझे तो काफी मसाइल का सामना करना पड़ा। नहीं नहीं, गलत बयानी नहीं कर रहा, मैं ठीक कह रहा हूँ। ताज़ा करें चले, वैसे तो दोनों को बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं बाइक राइड कर रहा था, मुझे चाहिए, मेरे लिए जरूरी था कि अभी बाइक को, बाइक जो टायर है उनको बर्फ के तय से दूर रखूं। एक बहुत मुश्किल काम था कि जिससे हम दोनों की जान जा सकती थी। तो इन्होंने मुझे इतना ज्यादा दौड़ाया, मैं आपको बता नहीं सकता। तो इतना ज्यादा दौड़ने के बाद जो है मेरी तो सांस फूल गई है। आप तो जानते हैं वैसे भी कि एक तो आपको सर्दी बहुत ज्यादा लगी हो, और ऊपर से जो है आपकी टांगे ठंड से कांप रही हो, और दौड़ना आपको बहुत ज्यादा पड़े। मजा तो बड़ा आता है दौड़ते हुए, लेकिन जब पांव स्लिप करता है ना तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। टोपी मुझे दे दे। गाइस ऐसे सर्दी के मौसम में किसी के साथ टोपी उतार लें, और किसी सर्दी के मौसम में आप किसी पानी फेंक दें तो इजाबे इलाही जैसे नाजुक हो जाता है। मैं तो कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगा था कि मेरा किसी ने गला काट लिया हो, मुझे टोपी पहना दे। काफ़ी अच्छी थी, बड़े अच्छे ऐसे ड्राइव किया कॉन्फिडेंटली।
और बीच में पैच थोड़ा सा खराब था, उस पर हमें लैंड स्लाइडिंग की वजह से डर लगा, लेकिन कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, शुक्र हम बहुत अच्छे तरीके से अच्छे रास्ते से होकर आए। सही, तो आपको यहाँ पर सबसे खास क्या लगा, जो आपने यकीनन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आपने विजिट किया होगा, मुख्तलिफ इलाकों में गई होगी, तो यहाँ पर आपका स्पेसिफिक आने की रीज़न जो है वो भी बता दीजिए, और यहाँ पर आपके हस्बैंड ने आपको लाया तो उसकी उसके हवाले से आप बता दीजिए, यहाँ पर आपको जगह कैसी लगी और यहाँ का माहौल कैसा लगा। कश्मीर की मतलब हवा में ही, सही कहा जाता है कश्मीर को जन्नत है, हवा में ही बहुत खूबसूरती है, और यहाँ पर आपको कुछ भी चाहिए नहीं होता अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, कश्मीर आपको खुद जो है वो अपनी खूबसूरती में लेकर जाता है, और हस्बैंड साथ आए तो वो वैसे ही बहुत अच्छा सीन होता है, और बाकी मेरी विश थी वो पूरी हो गई है। तो आपने देखा यहाँ पर कि मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ पर से इंटरव्यू लिया हम लोगों ने, और मुख्तलिफ लोग यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं जो इन्जॉय कर रहे हैं, मुख्तलिफ टूरिस्ट आए हुए हैं, तो जिन्होंने जिनसे हमने बात की है फ़िलहाल तो लाहौर से आए हुए थे, तो मुख्तलिफ इलाक़ों से जो है यहाँ पर आते हैं लोग और यहाँ के मौसम को इन्जॉय करते हैं और यहाँ की ब्यूटी को देखते हैं। तो चलिए और भी लोगों से आपको मिलवाएँगे और भी लोगों से बात करवाएँगे और यहाँ की जो ब्यूटी है उसको भी हम आपको बताएँगे। तो चलिए आगे दूसरे लोगों की तरफ देखेंगे।